Hi, dear students, welcome to Student Point Academy. Friends, in this video, we are going to start chapter number 4 Operation on Fraction, class 6 Maths, practice set 9. So, let's start. स्टूडेंट्स तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर आपको क्लिक करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते जब तक आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलेंगे इसलिए आपको ऑल पर क्लिक करना है ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए ओके और एक खुशखबरी स्टूडेंट्स कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट भी आएगी ओके जिसमें आपको सभी आ, क्लास की सभी बुक्स की नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी ओके तो आइए स्टार्ट, so, स्टार्ट करते हैं और हमारी वेबसाइट का नाम होगा डब्ल्यू ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन हमने आ, आपने स्टैंडर्ड फिफ्थ में फ्रैक्शन पढ़ा था ओके और अब इन फ्रैक्शन पर हम ऑपरेशन करने वाले हैं मतलब फ्रैक्शन का सॉल्यूशन करने वाले। हैं। देखते हैं हैं, कैसे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पर पर कुछ दिए हुए जैसे कि uh, लुक मतलब हियर, होता है फोर अपॉन टू इसका आंसर मतलब आता है फोर यह वन बाय टू मतलब ऐसा, ओके? और ये है तो ये सब क्या है ये सब फ्रैक्शन है डिवाइड में नंबर को डिवाइड में रखना यानी ही फ्रैक्शन होता है एक बात को समझिए फ्रैक्शन और डिवाइड एक ही बात है आज का जो तो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू फ्रैक्शन तो सबसे पहले यहां पर दो बातें समझना जरूरी है कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्सड फ्रैक्शन क्या है फ्रैक्शन मतलब क्या है फ्रैक्शन मतलब अपॉन वाले नंबर जैसे टू अपॉन थ्री यह फ्रैक्शन है जो भी नंबर डिवाइड में या अपॉन में रहेगा वो फ्रैक्शन है पर हमें यह बात समझनी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल है सेवन बाय टू सेवन बाय टू इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे आपने स्टैंडर्ड फिफ्थ में फ्रैक्शन वाले लेसन में सबसे एंडिंग में एक डेफिनेशन पढ़ी थी अ अटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ओके देन द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमिरेटर मतलब क्या है सेवन और डिनोमिनेटर क्या है टू न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाता है ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं क्या ध्यान में रखना है जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ज्यादा बड़ा हो जाता है या ज्यादा बड़ा रखते हैं ज्यादा बड़ा रहता है तो उसे इमप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इसी इमप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले क्योंकि जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें जैसे कि यहां पे थ्री अपॉन फाइव तो ये इमर नहीं है ये है। क्यों क्योंकि वाला वाला नंबर, नंबर मतलब नीचे जो है, 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 है। ये ये बड़ा छोटा तो ये है, और इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ इम्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जा सकता है ओके यही बात हमें समझनी है कि हमें कन्वर्जन करना है किसको इमर को मिक्स में बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपको जरूर समझ गया होगा क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब नीचे वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नंबर बड़ा हो, नीचे वाला होगा छोटा और ऊपर वाला नंबर होगा बड़ा ओके okay? तो जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो ही वो इम्प्रॉपर होगा अदरवाइज वो इम्प्रॉपर नहीं होगा सो वेन यू विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल यू हैव टू

के टेबल में सेवन नहीं आता पर टू के टेबल में सिक्स आता है कितने टाइम थ्री टाइम टू थ्री जा सिक्स माइनस करेंगे कितना बचा वन तो यहां पर क्या होगा डिवाइड किससे किए हमने टू से तो टू नीचे ही रहेगा आंसर कितना आया सिक्स वो यहां रहेगा और रिमाइंडर जो है वो यहां पे रहेगा मतलब यहां पर देखिए ये आंसर जो आया वो थ्री है ओके okay? सिक्स नहीं ओके okay? तो देखिए इस तरह से हमें मिलेगा मतलब जब आप डिवाइड करेंगे तो डिविडेंट ये होगा मतलब सॉरी डिविजर ये होगा ओके ये होगा रिमाइंडर रिमाइंडर ये होगा और ये जो थ्री है ये होगा क्वेश्चन इतनी बातें आपको समझ में आनी ध्यान में रखनी है ओके सो लेट्स टर्न द पेज ओके एंड सॉल्व एक्सरसाइज हियर देखिए यहां पर हमें क्या करना है कन्वर्ट इन टू इम्रॉपर फ्रैक्शन तो आइए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इमप्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओके इसमें क्या करना है इमप्रॉपर में ये पहले से ही आ, क्या है मिक्स है हमने क्या देखा था कि मिक्स को इमप्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना है पर यहां पर हमें क्वेश्चन क्या, क्या दिया हुआ है पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें इम्प्रॉपर में इसे कन्वर्ट करना है बहुत सिंपल है आइए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको सेवन टू बाई फाइव ओके इसकी दो मेथड है मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा पहली मेथड में मैं क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करके दिखाने वाला और दूसरी मेथड में हम सॉल्व करेंगे ओके okay? मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा पहली मेथड एकदम सिंपल क्या करना है देखिए पहली मेथड में क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई सेवन इंटू फाइव ओके और इस टू के साथ प्लस ऐसा और ऐसा ब्रैकेट में रखना जरूर और नीचे फाइव जैसे का वैसा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम सेवन इंटू फाइव प्लस टू सेवन इंटू फाइव को हम ब्रैकेट में रखेंगे और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे नीचे फाइव जैसे का वैसा सेवन फाइव से कितना हो जाएगा थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू अपॉन फाइव तो ये आ जाएगा 35 फाइव प्लस टू मतलब हो जाएगा 37 सेवन अपॉन फाइव यह आ गया इसका आंसर दूसरी मेथड क्या है दूसरी मेथड देखिए दूसरी मेथड में क्या करना है आपको पहले 5 प्लस ऐसे लिखना है ओके उसके बाद इस 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है ये समझना है तो 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ऐसा मान के चलो तो ये ऐसा हो जाएगा उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ओके सिक्स इन फाइव प्लस वन इंटू वन और नीचे वाले का देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका इसके साथ और नीचे वाले का नीचे के साथ मतलब वन इंटू सिक्स सिक्स थर्टी ओके और वन इंटू वन और सिक्स वन जा सिक्स तो इसका आंसर हो जाता है थर्टी प्लस वन थर्टी वन डिवाइड बाय सिक्स देखिए ये दो मेथड है इसे सॉल्व करने की ये मेथड थोड़ी सी लॉन्ग जाती है ये मेथड शॉर्टकट ओके सबसे बेस्ट मेथड है ये बस यहां पर आपको समझना होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टू के साथ प्लस कर देना है ओके okay. और नीचे वाली वैल्यू को जैसे के वैसे रखना है उसे चेंज नहीं करना है अगर ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीन शॉट करते फिर कर लेते हम थर्ड क्वेश्चन नाउ थर्ड देखिए थर्ड वाला क्या है भाई फोर थ्री अपॉन फोर ओके okay, क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय फोर ब्रैकेट में रखेंगे और थ्री को उनके साथ प्लस कर देंगे और नीचे वैल्यू वैल्यू को कुछ नहीं करना है वह वैसे ही रहेगी फोर इन फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन इज इक्वल टू का साइन देते हुए चलिए सिक्सटीन प्लस थ्री अपॉन फोर इसका मतलब क्या हो जाएगा सिक्सटीन प्लस थ्री मतलब क्या हो जाएगा देखिए नाइनटीन अपॉन फोर तो लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फोर ओके okay, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आइए फोर्थ वाला करते हैं फोर्थ वाला क्या है टू फाइव अपॉन नाइन ये भी सिंपल है इन दोनों का मल्टीप्लाई टू इन नाइन ब्रैकेट कर दीजिए प्लस ये फाइव को रखा दीजिए और नीचे वाला नंबर को कुछ नहीं करना है वो ऐसे ही रहेगा टू नाइन जा हो जाएगा एटीन प्लस फाइव डिवाइड बाय नाइन मतलब अपॉन नाइन एटीन और फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन नाइन तो हमें आंसर मिल जाता है ट्वेंटी थ्री अपॉन नाइन इसे कर देंगे फ्रेम ओके अब आइए लास्ट फिफ्थ वाला करते हैं क्या है फिफ्थ वाले में वन फाइव सेवन ओके ऐसा इन दोनों का मल्टीप्लाई वन इंटू सेवन प्लस फाइव को प्लस कर देंगे अपॉन में सेवन एज इट इज कुछ नहीं करना है सेवन वन सावन और ये फाइव और ये सेवन ओके सेवन फाइव सेवन प्लस फाइव कितना हो जाएगा ट्वेल्व ओके okay, और ट्वेल्व बाय सेवन तो इसका आंसर हमें मिलेगा ट्वेल्व अपॉन सेवन और इसे हम कर देंगे फ्रेम ओके okay, है ना सिंपल बहुत सिंपल है बस इस तरह से करना था आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये ऐसा है और ये ऐसा है ओके okay, और ये अलग है प्लीज टेक दिस स्नेपशॉ उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के भी मैं दो मैथड बताऊंगा ओके और मेरी बेस मैथड से सारे मैथड आपको सोल्व सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा फर्स्ट थर्टी और ये सेवन ओके okay? इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहली मेथड ये जो आपके बुक में दी है क्या करना है थर्टी को सेवन से डिवाइड करना है ओके तो सेवन के टेबल में थर्टी नहीं आता पर सेवन के टेबल में थर्टी से छोटा नंबर कौन सा आता है सेवन फोरजा ट्वेंटी एट सेवन फोरजा ट्वेंटी एट माइनस करेंगे बच गया टू ओके समझ में आया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे थर्टी डिवाइड सेवन इज इक्वल्स टू ओके okay. ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है जो नंबर डिनोमिनेटर में उसको कुछ नहीं करना है वो वैसे ही रहेगा आंसर क्या आया है फोर वो यहां पर और बचा हुआ क्या है टू वो यहां पर बस इन तीन तीन बातों को हमें ध्यान में रखना है हो गया ये आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया सिंपल स्टेप दूसरी एक और स्टेप है ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है क्या करना है देखिए सेवन बाय फोर इसमें ओरली कैलकुलेशन करना होता है ओके कैसा करना है सेवन क्या फोर के टेबल में सेवन आता है नहीं आता फोर सेवन फोर के टेबल में सेवन से छोटा नंबर कौन सा है जो आता है वो है फोर खुद कितने टाइम आता है वन टाइम तो फोर वन जा फोर तो फोर वन जा फोर ओके ऊपर और बचे कितने फोर वन जा फोर रिमाइंडर कितना बचेगा थ्री और नीचे कितना लिखना है फोर ये शॉर्टकट मेथड है इसके लिए हमें माइंड में कैलकुलेशन करना होता है ओके okay, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पर बेहतर होगा कि आप डिवाइड करके लिखें जो आपके लिए ज्यादा इजी होगी ओके okay, तो अब हम वैसे ही डिवाइड करके ही यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको वैसे ही लिखना है ओके okay, जब आप कैपेबल हो जाएंगे ओरली कैलकुलेशन करने के लिए फटाफट तब आप इसका यूज कीजिएगा ओके okay, तो अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे सिंपल फोर से डिवाइड करना है सेवन को फोर के टेबल में सेवन नहीं आता पर फोर के टेबल में फोर आता है वन टाइम फोर वन साफ फोर ओके सेवन माइनस फोर थ्री तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखेंगे सेवन बाय फोर इसी का मतलब क्या हो जाएगा जो जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे जो आंसर आया है वो इधर और जो बच गया है वो ऊपर सिंपल है ना उसके बाद आइए थर्ड वाला करते हैं क्या है भाई फिफ्टीन डिवाइड बाय क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सिंपली फिफ्टीन डिवाइड बाई टा ट्वेल्व माइनस करेंगे फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व आएगा थ्री ओके okay, लिखेंगे फिफ्टीन डिवाइड बाय ट्व इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना तो क्या होगा ट्वेल्व जिससे डिवाइड किए वो नीचे जो आंसर आया वो यहां पर आंसर आया वन और जो बच गया वो ऊपर है ना सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद करते हैं हम फोर फाइव सिक्स अब देखिए नंबर फोर नंबर फोर क्या है इलेवन बाय एट क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे एट से इलेवन को तो एट वन एट माइनस करेंगे यहां बचेगा थ्री ओके okay? तो इलेवन अपॉन एट इस मिक्स फ्रैक्शन मिक्स क्या होगा एट आंसर आया वन और बच गया है थ्री सिंपल ओके उसके बाद क्या है फाइव कितना है भाई ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड करेंगे फोर से ट्वेंटी वन को ओके तो ट्वेंटी वन सॉरी फोर फायजा ट्वेंटी हो जाता है माइनस बचेगा कितना वन तो अब यहां पर क्या करेंगे ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फोर फोर से डिवाइड किए वो नीचे एज इट इज आंसर आया है फाइव और जो रिमाइंडर है वो बचा है वन तो इसे ऐसा लिखिए उसके बाद नंबर सिक्स कितना है ट्वेंटी डिवाइड बाय सेवन क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड करेंगे ट्वेंटी है ओके सो ट्वेंटी डिवाइड बाय सेवन तो सेवन टू जा फोर्टीन और यहां पर बचता कितना है ट्वेंटी माइनस फोर्टीन इज अ सिक्स ओके तो ट्वेंटी डिवाइड बाय सेवन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे सेवन सिक्स टू सॉरी सेवन टू सिक्स ओके जिससे डिवाइड किए जो आंसर आया और जो रिमाइंडर हुआ ओके इसका पैटर्न लिख दू मैं क्या लिखेंगे डिविडेंट नीचे डिविडेंट सॉरी डिविडेंट नहीं डिविजर डिविजर अपॉन रिमाइंडर और यहां पर आता है क्वेश्चन यह पैटर्न आपका होता है आंसर में जैसे यह है क्वेश्चन यह रिमाइंडर और यह है डिवीजर ओके सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपका समझ गया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री तो आइए क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स अब आते हैं यहां पर वर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शन इफ नाइन के जी राइस इज शेयर इफ नाइन के जी राइस इज शेयर अमॉन्ग फाइव पीपल नाइन के जी राइस पांच लोगों में बांटा गया है तो क्या लिखेंगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नाइन के जी राइस इज शर्ट अमोंगस्ट फाइव पीपल पांच लोगों में नाइन के जी जो राइस है वो बांट दिया गया हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डस ईच पर्सन गेट हर एक को कितना मिला क्या फाइंड करना है हर एक को कितना मिला तो क्या करेंगे हम यहां पर इसका मतलब होता है कि नाइन को फाइव से डिवाइड करना ओके okay? मतलब नाइन डिवाइड बाय फाइव ऐसा होता है ओके अब आइए इसे हम क्यों क्या करना पड़ेगा डिवाइड करके देखना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे नाइन को से तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसी का मतलब यह होता है और इसी का मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाता है ऐसा या फिर हम ऐसा लिख देंगे नाइन बाय फाइव इज इक्वल्स टू फाइव आंसर यहां पर और रिमाइंडर यहां पर वन के जी फोर बाय पार्ट इतना पार्ट मतलब इतना शुगर हर एक को मिलेगा सॉरी इतना राइस हर एक को मिलेगा इतना हर एक को मिलने वाला है ओके okay? जैसे कि सिंपल बात है जैसे मान लीजिए अगर यहां पर ऐसा होता वन वन बाय टू तो इसे हम बोलते हैं कि डेढ़ किलो मिलने वाला है एक और आधा किलो हाफ ये वन बाय टू मतलब हाफ होता है तो ऐसे यहां पर वन के जी फोर बाय फाइव पार्ट वन के जी भी मिलेगा प्लस फोर बाय फाइव पार्ट एक्स्ट्रा मतलब टोटल इतना मिलाकर सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है सो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट तो यहां पर लिखेंगे वन फोर बाय फाइव के जी राइस सन गेट ईच पर्सन गेट लास्ट में ये जो होता है ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है उसने और उस क्वेश्चन का आंसर पूरे वाक्य में देना बहुत जरूरी होता है ये वर्ड एग्जाम्पल का रूल है और इसी पर आपके आधे आधा मार्क होते हैं आप यहां तक क्या आते सही कर देते हो पर ये ना लिख के अपने हाफ मार्क कटवा देते हो ओके अब आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सॉरी फोर्थ मतलब थर्ड का सेकंड देखो टू मेक फाइव शर्ट्स ऑफ सेम साइज सेम साइज के पांच शर्ट बनाने हैं इलेवन मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड ग्यारह मीटर कपड़ों की जरूरत है ओके हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन शर्ट एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ लगने वाला है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ शर्ट नंबर ऑफ शर्ट फाइव ओके और uh, नीडेड ठीक है क्लॉथ की रिक्वायर्ड कितनी जरूरत है क्लॉथ की तो रिक्वायर्ड क्लॉथ मतलब जिसकी जरूरत है वो कितना है इलेवन मीटर तो क्या करेंगे इलेवन डिवाइड बाय फाइव ओके इसी का मतलब क्या हो जाएगा इलेवन को फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव टू जेन और बचेगा वन इसी का मतलब क्या हो जाएगा इलेवन डिवाइड बाय फाइव का मतलब हो जाता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ओके okay. तो ये हो जाएगा फाइव आंसर आया टू और ये बचा वन तो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन शर्ट तो यहां पर आंसर लिखेंगे क्या है टू 1 by 5, okay. Meter cloth is needed for one shirt. ओके okay? बस इतना ही करना था आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रॉब्लम सेट सॉरी प्रैक्टिस सेट टेन तब तक के लिए बाय बाय